हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मटन दो प्याजा की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मटन को हल्के गर्म पानी से यानी गुनगुने पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसके बाद हम कुकर लेंगे और इसमें मटन दो प्याजा का मतलब दो प्याज से नहीं बनेगा मटन, घबराइए मत। इसमें प्याज भरपूर पड़ता है, बट इसका नाम है मटन दो प्याजा। तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, खड़े गर्म मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची, फूलचक्र, थोड़ी सी जावित्री, सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता, जायफल, सौंफ और जीरा, और ये है खसखस थोड़ा सा। इसको हम डाल देंगे एक साथ। तो ये हमारा 1 kg मटन के लिए इतना सा गरम मसाला लिया है। तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 4 कटी हुई टमाटर, 5-6 कटे हुए प्याज मोटे मोटे साइज में, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और फिर इसमें डालेंगे हम करीब 50 ग्राम के हिसाब से तेल, और उसी कटोरी से डालेंगे हम 1 कटोरी पानी। और फिर इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसका हम ढक्कन लगाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे इसे 2 सीटी आने तक। तो हमारे मटन में 2 सीटी लग चुके हैं। तो चलिए इसका प्रेशर निकालते हैं और गैस को बंद कर देंगे और फिर इसे खोल कर देखेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तब तक भूनते हैं जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए और थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए, हमारा तेल ऊपर दिखने लगा है। तो अब हम तेजपत्ता को और जायफल को बाहर निकाल देंगे, इसका काम अब हो चुका है। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच गरम मसाला डालते हैं। तो हमारे मटन दो प्याजा का आधा काम हो चुका है, आधा बाकी है। तो चलिए अब दूसरा प्रोसेस में चलते हैं। मटन हटा देंगे और एक कढ़ाई लेंगे या पैन लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे देसी घी, ये घर का बनाया हुआ घी है, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो ये है 1 बड़ी चम्मच उड़द की दाल, कसूरी मेथी, लाल मिर्च और हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 5-6 लहसुन, अदरक और जीरा 1 चम्मच। तो इन सबको हम तड़का लगाएंगे। तो घी को मेल्ट होते ही इसमें हम डाल देंगे, कसूरी मेथी भी डाल देंगे और भूनेंगे इसको। कुछ सेकंड भूनेंगे, जब ये हमारा मसाला चटकने लगे तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ये प्याज को बीच से चीरा लगा दीजिए। अगर स्प्रिंग अनियन हो, हरा प्याज हो तो सिर्फ वही डालें तो और भी अच्छा होगा, बट ये बड़ा प्याज भी ऐड कर सकते हो आप। तो इन सबको हम कैरमलाइज करेंगे, भून लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से भूनना होगा आपको, हल्का हल्का। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो ये हमारी मटन दो प्याजा बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इसमें 1/2 नींबू का जूस ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करके इसे 1 मिनट तक प्याज के साथ पका लीजिए। धनिया पत्ता ऐड कर दीजिए। तो 1 मिनट हो चुका है और अब इसे हम बंद करके गैस को बंद कर देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। तो कोई भी पार्टी हो या फंक्शन हो, आप मटन दो प्याजा बनाइए हमारे तरीके से, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए हमारा मटन दो प्याजा और मटर पुलाव कैसा बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।